वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फॉर स्टूडेंट्स आई एम एर इंग्लिश टीचर्स टुडे इज डेट ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू ट्वेंटी वन एंड डे इज मंडे स्टूडे स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट जी ऑफ चैप्टर नंबर थ्री एंड देश एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैजिक सीर ओके ना ओपन योर बुक पेज नंबर थर्टी टू एंड लिसन केयरफुली नो ग्लैमर ग्रेमर के बारे में जानना है लुक एट दिस पिक्चर्स इन पिक्चर्स को देखना है ठीक है दिस इज जब हम एक यहाँ पे एक ही मैंगो ठीक है फिर दिस इज आ मैंगो ये एक मैंगो है ठीक है यहाँ पे दिस इज आ मैंगो ठीक यहाँ पे बहुत सारे इस बास्केट में बहुत सारे मैंगो से ठीक है यहाँ पे एम ए एन जी ओ मैंगो एक के साथ हम मैंगो ही लगाते दिस इज आ मैंगो एक ठीक है अब यहाँ देखो टी एच आई एस है यहाँ पे यहाँ पे टी एच ई एस दिस आर मैंगोस ये सब क्या है मैंगोस है यहाँ पे बहुत सारे सारे मैंगो से इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है एम ई एस मैंगो जब ज़्यादा होता है तो उसके साथ एस एट होता है ठीक है दिस आर ये सब क्या है मैंगो से ठीक है अब यहाँ पे देखो एक काइट है ठीक है दिस इज अ काइट ये एक काइट है ठीक है फिर यहाँ देखो बहुत सारे काइट से ठीक है फिर यहाँ आएगा दोस आर काइट ये सब क्या है वो सब क्या है तो वो सब क्या है पतंग है काइट से पतंग ये यहाँ पे बहुत सारे पतंग हैं ठीक है टी ई एस यहाँ पे जब ज़्यादा होगा तो एस होगा और एक हुआ तो ई सिर्फ के आई टी ई ठीक है काइट और दो आर और ज़्यादा जब होता तो क्या होता है आर होता है और जब एक होता है तो आई एस इज़ ओके अब उसी तरह हमें इसको फिल करना है पार्ट जी राइट दिस इज और दिस और, दिस और टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस हमें यहाँ पे टी एच आई दिस इस लिखना है या दिस आर लिखना है इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ठीक है दिस इज हैन ये एक हैन है यहाँ पे एक ही हैन है ठीक है दिस इज हैन ये एक हैन है दिस आर चीक्स ये उनके छोटे बच्चे हैं दिस आर चीक्स ओके यहाँ पे ज्यादा है इसीलिए क्या आएगा दिस और आएगा ठीक है टी एच ई ए सी दिस आएगा और ए आर ए और चीक्स आएगा ठीक है सेकेंड दिस इसके लिए एक बिल्ली है ठीक है यहाँ पे एक ही बिल्ली है बड़ी बिल्ली एक ही है ठीक है दिस आर किटन्स ये क्या है किटन्स क्योंकि एक से ज़्यादा है इसीलिए दिस और ये क्या है ये किटन से दिस आर आएगा ठीक है अब थर्ड देखो दिस इज अ डक ये एक डक है यहाँ पे ठीक है अगर एक डक होगा तो दिस इज अ डक ओके दिस आर डकलिंग्स और जब डक्स के छोटे बच्चे ज्यादा है तो दिस आर डकलिंग्स ओके डी एच ई सी दिस ए आर ई आर ओके नाउ पार्ट एच आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो यहीं तक कर लेंगे ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आप लोग ये अपने कॉपी पे अच्छे से ये पिक्चर नहीं बनाना ऐसे ये अपने कॉपी पे अच्छे से लिखना और समझना अच्छे से ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू